आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवनीत। महेंद्र सिंह धोनी अब खेल के मैदान से बाहर निकलकर अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर दुश्मनों से अब दो दो हाथ करेंगे। जो पिच पर कभी हेलीकॉप्टर शॉट लगाते थे, अब वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर दुश्मनों के चौकी पर नजर रखेंगे। क्या है पूरी खबर, जानेंगे हमारे सहयोगी नवनीत से। देखिए सिप्रा, बिल्कुल भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान, पूर्व कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी, उनको फौज से बेहद लगाव रहा है और यही वजह है कि उन्होंने इंडियन आर्मी जो है वो जब मौका मिला तो उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और इंडियन आर्मी ने उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी। लेकिन उन्होंने सिर्फ वो सिंबॉलिक तौर पे नहीं लिया, उसे दिल से अपनाया और उसके बाद वो आर्मी की जो पारा कमांडो ट्रेनिंग होती है उसको भी उन्होंने कंप्लीट किया आगरा में और वो एक सफल पैरा ट्रूपर भी हैं। वो वायुसेना के विशेष जहाजों से 2000 और 3000 फीटों से ऊंचाई से कई बार छलांग भी लगा चुके हैं जमीन पर। तो महेंद्र सिंह धोनी अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें तो देश के टॉप 3 बड़े सेलिब्रिटी में हैं जो फिजिकली रूप से काफ़ी फिट अपने आप को रखते हैं और वो इस बार जो है अब नई भूमिका में है और जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी तैनाती ली है। सेना ने उनको उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में की है जहाँ पे वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे उनकी तैनाती की गई है और जहाँ पे वो अपने पैरा रेजिमेंट के साथ जो है वो फील्ड में उनकी तैनाती की गई है। चूंकि महेंद्र सिंह धोनी एक काफ़ी तेज तरह पैरा ट्रूपर रहे हैं और जो कमांडो ट्रेनिंग है उन्होंने वो कंप्लीट किया, तो ऐसे में वो देश के ऐसे पहले सेलिब्रिटी भी बन गए हैं जिनको वार क्षेत्र में तैनात किया गया। अभी तक जो भी सेलिब्रिटी अगर वो सेना ज्वाइन करते थे तो उनकी तैनाती पीस क्षेत्र में होती थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी पहले ऐसी व्यक्ति हैं जिनकी तैनाती वार क्षेत्र में हुई है जहां पे वो लगातार सेना के अन्य जवानों के साथ आतंकियों से मोर्चा लेंगे, दुश्मनों से मोर्चा लेंगे और तमाम अत्याधुनिक हथियारों के साथ वो एक आम गार्ड की भूमिका में जो है वो नजर आएंगे। और चूंकि उन्होंने साफ आर्मी के अधिकारियों से कहा है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो देश के लिए एक आम सैनिक की तरह वो भी बॉर्डर की हिफाजत में अपनी जो सेवा है वो समर्पित करेंगे और उन्हें चूंकि आर्मी से काफ़ी लगाव है, चूंकि रांची में भी वो अक्सर आर्मी एरिया में घूमते हुए चले जाते थे तो यही वजह है कि उनके जो मानसिक रूप से वो अपने आप को हमेशा आर्मी से जुड़ना चाहते थे, उसके लिए तैयार करना चाहते थे और अब जब आर्मी ने उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है तो उन्होंने वार क्षेत्र में अपने लिए तैनाती की मांग की है जिसे आर्मी ने मंजूरी दे दी है और वो अब जम्मू कश्मीर जो है वो पहुंच चुके हैं और वो लगातार भारतीय सेना के साथ अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसमें सफल रूप से भाग ले रहे हैं और अग्रिम पंक्तियों की जो निगरानी का काम है वो निगरानी का काम उनको दिया गया है। तो जाहिर तौर पे महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे सेलिब्रिटी बने हैं जो क्रिकेट के मैदान के अलावा रण क्षेत्र में भी दुश्मनों से अब नए नए हथियारों के साथ, अत्याधुनिक हथियारों के साथ दुश्मनों से दो दो हाथ करेंगे और ये एक धोनी के लिए धोनी की एक अलग खूबी है, एक अलग पहचान है जिसे हम जो भारत के क्रिकेट प्रेमी हैं वो हमेशा महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर हम लोग चौके छक्के मारते हुए हम लोगों ने देखा है और क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने एक सफल इतिहास लिखा है अब वो आर्मी के बतौर एक आर्मी मैन के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे इससे युवाओं में भी आर्मी में जाने के प्रति क्रेज बढ़ेगा और यही वजह है कि भारतीय सेना भी अब महेंद्र सिंह धोनी की इस पहल की काफी सराहना कर रही है और जिस तरह वो वार क्षेत्र में गए हैं ये भी एक बड़ी पहल मानी जा रही है। बिल्कुल, तो बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट के मैदान से उतरकर अब सीमा पर देश की रक्षा करेंगे। आपको अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज़।